यूज आप देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। ओके, अभी तक आप लोग यही जान रहे थे कि देयर का मतलब वहाँ होता है। ओके, अब इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक देयर का यूज कब होता है ये देखेंगे आज। देयर इज अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स हियर, यहाँ दो युवा हॉक काइट्स के साथ एक घोंसला है। ठीक है, इस सेंटेंस को देख लिए, देयर का मतलब कुछ निकला क्या? नहीं निकला। यहाँ देखिए, देयर इज नो फायर वुड इन द हाउस, घर में कोई जलाव लकड़ी नहीं है। देयर इज नो फायर वुड इन द हाउस, घर में जलाव लकड़ी नहीं है। ओके, अब ये देखिए, ध्यान से रीड कीजिएगा, नो फायर वुड इन द हाउस आर अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स हियर आर फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश होता है फ्रेजेस का मतलब। तो ये देयर को भी हम रिमूव करते हैं, दोनों देयर को, दोनों सेंटेंस से, तो ये दोनों कहलाएगा वाक्यांश, फ्रेजेस कहलाएगा, मात्र फ्रेजेस रहेगा ही। ओके, इसी को बता रहे हैं यहाँ पर। सो व्हेन वी मेक सेंटेंसेस द वी एड देयर इन द बिगिनिंग, दिस इज नोन एज एन इंट्रोडक्टरी देयर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, यदि सामने में इस प्रकार से देयर का यूज करते हैं, उस देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर का यूज करते हैं, सामने में देयर करके इस प्रकार से सेंटेंस लिखते हैं। कब की स्थिति में लिखेंगे? यदि सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं रहेगा तभी करेंगे। और वर्ब फ्रेजेस कंटेंट्स भी, यदि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के साथ या मॉडल वर्ब के साथ बी आता है तो वहाँ हम देयर का यूज करते हैं। यू कैन सी, ये देखिए, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। देयर वर पीनट्स इन द स्क्वेरल्स होम, गिलहरी के घर में पीनट्स थे। गिलहरी के घर में क्या थे? पीनट्स थे, मूंगफली थे। ओके, देयर इज नो वाटर इन द वेल, कुएं में एक भी पानी नहीं है। कुएं में कोई भी पानी या एक भी पानी नहीं है। ओके, देयर इज नो वाटर इन द वेल, ये देखिए, यू कैन सी हियर इन बोथ सेंटेंसेस, देयर देयर। इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस वी पुट देयर। ओके, इन सेंटेंस में जो देयर यूज हुआ है उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है और यहाँ पर देखिए वर्ब जो है बी का ही फॉर्म है। ओके, नाउ इंट्रोडक्टरी देयर गोज विथ, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, देयर का यूज हम इनके साथ कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब के साथ हम देयर का यूज करते हैं इस प्रकार से, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर जैसा कोई भी स्थान नहीं है। ओके, देयर पुट अप किए, यहाँ देखिए इज आया मतलब सिंगुलर के लिए, यहाँ आ रहा है मतलब प्लूरल की बात हो रहा है, फिर भी देयर का यूज हो ही रहा है। देयर आर नो प्लेयर्स इन दिस फिट, इस फिट में कोई भी खिलाड़ी नहीं है। ओके, मतलब प्लेयर्स, एक से ज़्यादा, मोर देन वन प्लेयर्स की बात हो रही है, फिर भी देयर पुट अप किए, यहाँ इज आया मतलब सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, इसलिए देयर पुट अप किए, मतलब सिंगुलर या फिर प्लूरल हो दोनों के साथ हम देयर पुट अप कर सकते हैं। नाउ
क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स, ऐसा स्टेटमेंट जो क्वांटिटेटिव को इंगित करता हो, डिनोट करता हो, रेफर करता हो, ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज कर सकते हैं बिगिनिंग में, शुरू में। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, आंसर देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मात्रा को इंगित कर, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, मतलब मात्रा को डिनोट कर रहे हैं ना क्वांटिटेटिव को, ओके, इसलिए हम देयर पुट अप कर दिए। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एंड अ स्मॉल चर्च इन द कॉर्नर, कॉर्नर पर क्या है भाई, एक पोस्ट ऑफिस और एक छोटा सा चर्च भी है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्टिव फ्रेजेस के साथ भी हम देयर का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, यू कैन सी देयर इज अ होल क्राउड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वालों की एक भीड़ है, देयर इज अ होल क्राउड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट का पूरा भीड़ है, पूरी भीड़ है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको आप लोग जानते हैं, देयर का यूज हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज करते हैं इस प्रकार से देखेंगे। फाइंड आउट सच सेंटेंसेस इन द स्टोरी, जामुन ट्री 9th क्लास एनसीईआरटी लेसन 1 से है, स्टोरी को पढ़ेंगे उसमें से एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में देयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस अनदर काइंड ऑफ देयर इन द स्टोरी विच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, यहाँ देयर यूज किए, अंडरलाइन जो हुआ है, देखिए यहाँ पर देयर यहाँ यूज हुआ है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में या फिर बीच में यूज हुआ है, इसका मतलब देयर का मतलब वहाँ होगा, क्या होगा, वहाँ होगा। ये देखिए, ये देयर है, सामने में यूज नहीं हुआ है इस प्रकार से। बट ही मैनेज्ड इट, इट वाजंट इजी गेटिंग देयर, वहाँ जाना इजी नहीं था, सरल नहीं था, किंतु वह मैनेज किया। द अंडरलाइंड देयर इज एन एडवर्ब एंड इट इंडिकेट्स लोकेशन, जो देयर यहाँ अंडरलाइन जो किया गया है, यूज हुआ है, वह इंट्रोडक्टरी देयर नहीं है, बल्कि एन एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज हुआ है, जो एक स्थान को, लोकेशन को इंडिकेट करता है, ओके। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, आई विल गिव यू सम टास्क एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, गेट रेडी ऑल ऑफ यू, लेट मी टेल यू, इंडिकेट विच फंक्शन ऑफ देयर अकर्स इन द सेंटेंसेस बिलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर इंट्रोडक्टरी। अब यहाँ देखिए, हमने बताया कि भाई सामने में सेंटेंस के देयर यूज हुआ है, मतलब वो इंट्रोडक्टरी देयर होगा, और यदि सेंटेंस के बीच में या फिर लास्ट में यूज हुआ है देयर का, तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, तो उसी को फाइंड आउट कीजिए। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले सेंटेंस है उसको यहाँ लिखेंगे, जो इंट्रोडक्टरी वाला सेंटेंस है उसको यहाँ लिखेंगे, मतलब इंडिकेट करना है आपको, पहचान करना है, ओके। ये होमवर्क आप लोगों के लिए। अब यहाँ भी देख लीजिए, री राइट द सेंटेंसेज विद इंट्रोडक्टरी देयर, देयर के यूज करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखिए। अब कहाँ देयर के यूज करेंगे, कहाँ यूज होना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो लेट्स से ईच अदर, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, स्टे होम एंड बी हैप्पी।